हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय मार्च मंथली फेवरेट्स। इस वीडियो में मैं स्किन केयर प्लस मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैंने खुद से इस्तेमाल किया है, पूरा बॉटल ख़त्म किया है, वो प्रोडक्ट शायद आप सबको पसंद आएगा एंड आप सब भी बेटर जान पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा वर्क करेगा कि नहीं। सो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिओड्रेंट शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये डिओ मैं कई दिनों से इस्तेमाल कर रही थी, कई महीनों से इनफैक्ट, एंड ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था बट फाइनली इट्स एम्प्टी। और ये जो डिओ है ये है बॉडी कुछ बॉडी कोड नाम का, तो इसका जो पूरा नाम है, लेबलिंग एंड ऑल सब कुछ मिट चुका है एंड सो उससे ही आप सबको पता चला है कि हाउ ओल्ड दिस वन इज़। ये मिनीसो का एक डिओड्रेंट है, बॉडी स्प्रे है मिनीसो का। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफ़ी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं कि इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग बट इट कीप्स यू फ्रेश फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है वो सिर्फ एक घंटे तक रहता है। सो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग बॉडी स्प्रे जिसका फ्रेग्रेंस काफ़ी देर तक रहेगा, बट हाँ इट कीप्स यू फ्रेश फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसके लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट फ्रेग्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी परफ्यूम को ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी स्प्रेस मिनीसो के ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू परफ्यूम्स। परफ्यूम्स थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 90 रुपीज़ ओनली। तो इस ये मैंने कॉम्बो ऑफर में लिया था मिनीसो में। जनरली आपको कॉम्बो ऑफर्स में अच्छे डील्स मिल जाएंगे तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। नेवरदलेस इसका जो 90 रुपीज़ प्राइस है उसके हिसाब से दिस इज़ अमेजिंग। एक रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस है जो कि आई थिंक समर सीजन के लिए परफेक्ट रहेगा। बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मैं कैटेगराइज नहीं करूँगी कि इट्स फॉर फीमेल ओनली, ये मेन फीमेल मतलब यूनिसेक्स है, सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका इस तरह का एक फ्रेग्रेंस है विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट मैं एक बॉडी वॉश शेयर करने जा रही हूँ जो कि अभी एम्प्टी नहीं है बट एक दूसरा बाकी है, विच आई एम श्योर कि मैं इस अप्रैल मंथ के मिडिल में ही ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। सो आई थॉट लेट मी इंक्लूड दिस ऑन माय मार्च मंथली फेवरेट्स वीडियो। तो ये मैंने मार्च मंथ में खरीदा था, तो यू ऑल कैन सी मैंने कितना हद तक इसे इस्तेमाल किया है। मैं तब से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग एंड टेस्टिंग आउट न्यू बॉडी वॉशेस ऑफ न्यू वेरियंट्स। ये वाला जो है ये है फियामा शावर जेल जिसका वेरियंट है मैकेडेमिया। तो ये सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन के लिए है बट हाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। सो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि ये ड्राइंग होगा स्किन पर, बट टू माई सरप्राइज इट्स नॉट एट ऑल ड्राइंग। ये डेफिनेटली स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपको ऐसे ड्राई पैचेस वगैरह नहीं दिखेंगे, नॉट इन समर सीजन नॉट इन विंटर सीजन, क्योंकि मैंने मार्च महीने में इसे ट्राई किया है तो उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था सीजन, बिकॉज इट वॉज अ चेंजिंग पॉइंट, सीजन चेंज हो रहा था तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं हुई। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बॉडी वॉश टू इन्वेस्ट। लेट मी टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस। ये एकदम गर्ली फ्रेग्रेंस है, तो ऐसा नहीं कि आप, बट जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जब आप शावर लेते हैं उस टाइम ही इसका फ्रेग्रेंस रहता है बट ये आपके बॉडी को फ्रेश रखता है बट फ्रेग्रेंस इसका नहीं रहेगा। सो आप चाहते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है यू कैन गो फॉर दिस। पर्सनली मुझे फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बॉडी वॉशेस में अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं फियामा शावर जेल के और भी कई सारे वेरियंट्स हैं वो मैं ट्राई करूँगी इस महीने एंड उसका जो रिव्यू रहेगा वो मैं डेफिनेटली अगले मंथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक मेकअप प्रोडक्ट है विच इज़ दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर स्प्रे। ये एकदम खत्म हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा बाकी है, मतलब कुछ निकल भी नहीं रहा है इससे। मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, तो मैं उन्हें अपने शेल्फ में रखती हूँ एंड जो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ जिस महीने में वो मैं अलग से सॉर्ट करके अपने ड्रेसिंग टेबल में रख देती हूँ। तो ये मैंने सॉर्ट करके रखा था क्योंकि मेरे पास एक और वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर है, स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है जो मैं ट्रैवलिंग के वक्त जनरली इस्तेमाल करती हूँ, बट इस साल के स्टार्टिंग से मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एंड तब से मैं इसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। नो मैटर आई एम ट्रैवलिंग और नॉट, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है विच इज़
सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जनरली मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रेज इस्तेमाल किए हैं जिसके अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस होते हैं, स्पेशली फॉर दिस प्राइस रेंज, क्योंकि ये 150 रुपीज या 130 रुपीज का है आई थिंक सो, या 170 रुपीज का. सो दिस इज वेरी अफोर्डेबल फॉर अ मेकअप फिक्सर. सो उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फ्रेग्रेंस एकदम रोजी सा और काफी अच्छा फ्रेग्रेंस है. सो आई लव दिस मेकअप फिक्सर एंड मैं डेफिनेटली इसे रिपर्चेज तो जरूर करूंगी. आपके मेकअप को ना लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ड्यूई फिनिश तो नहीं देता, मैट फिनिश भी नहीं देता, इट जस्ट सेट्स योर मेकअप एज इट इज. इस महीने मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी खत्म हुआ है. ये कंसीलर मैं पिछले साल के आई थिंक नवंबर या अक्टूबर मंथ से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इट्स एन एक्सेलेंट लिक्विड कंसीलर. ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है एंड आई कैन फील कि ये काफ़ी कम अमाउंट में है अभी. अभी सिर्फ जो ये वाला एप्लीकेटर है इसमें जो प्रोडक्ट है वही मैं इस्तेमाल कर रही थी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेस दिस. मैं पहले ना मेबेलिन का फिटमी कंसीलर इस्तेमाल करती थी, वो अभी भी है मेरे ड्रेसिंग टेबल में, बट मैं हमेशा जब से मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आई हैव नेवर गॉन बैक टू दैट मेबेलिन कंसीलर, बिकॉज एक तो वो एक्सपेंसिव भी है एज कम्पेयर टू दिस वन. सेकेंडली उसका जो फॉर्मुलेशन है सेम फॉर्मुलेशन इसमें है, बट उसमें मेरा शेड थोड़ा सा डार्कर है. इसमें मेरा जो शेड है वो एकदम परफेक्ट ब्राइटनिंग एक शेड है, थोड़ा सा क्रीज करता है. आप अगर आप अच्छे से एक पाउडर से इसे सेट नहीं करते तो हल्का सा क्रीज होने लगता है. नेक्स्ट मेरे फेवरेट एक परफ्यूम के बारे में मैं शेयर करने जा रही हूँ, विच इज़ दिस परफ्यूम. दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर. ये ऑनलाइन में अगर हो सके तो मैं लिंक कर दूंगी, बट आई डोंट थिंक कि ये ऑनलाइन मिलेगा. ये मेरी दीदी ने एक मॉल से खरीद के मुझे दिया था. आई लव दिस परफ्यूम. इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट्स वेरी अमेजिंग. ये पैरिस टावर कुछ लिखा है, आई डोंट नो इसके आउटर पैकेजिंग में शायद होगा इसके ब्रांड के नाम, मुझे नहीं पता था. मुझे मेरी दीदी ने इसे गिफ्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे ना एज अ होम डिकॉर भी इस्तेमाल करती थी और मैं इसे परफ्यूम की तरह भी इस्तेमाल करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसे घर में यू नो साफ सफाई कर रही थी उस टाइम ना ये गिर गया और इसके नीचे वाला पोर्शन टूट गया. ये कांच का बॉटल है तो जो परफ्यूम है वो पूरा निकल गया था एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओवर नाउ. मुझे तो काफ़ी दुख हो रहा है बिकॉज मैं हमेशा इसी फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करती थी एंड जब भी मैं बाहर जाती थी ना सभी मुझसे पूछते थे कि फ्रेग्रेंस इज वेरी अमेजिंग एंड ये कौन सा ब्रांड है, कहाँ से लिया है. बट डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि मुझे ये दूसरा बॉटल मिलेगा कि नहीं. अगर आप सबको पता है कि कहाँ पर इस तरीके का परफ्यूम्स अवेलेबल है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस दिस परफ्यूम. ये मेरा फेवरेट परफ्यूम था. जब भी मुझे कुछ यो इम्पॉर्टेंट ओकेशन या कोई पार्टी में जाना था मैं हमेशा इसे ही लगाती थी. अभी मैं इसे होम डेकोर की तरह इस्तेमाल करूँगी. इट्स वेरी गुड पैकेजिंग वाइज भी और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है. ये वाला फेस वॉश इस महीने मेरा पूरा खत्म हो चुका है. ये वाउ स्किन साइंस का कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश है. ये जो फेस वॉश है ना ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था. ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था फ्रॉम वाउ स्किन साइंस, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करती थी. स्किन पर इसका जो इफेक्ट था वो अच्छा था, स्किन को अच्छे से क्लीन करता था. कभी कभार ना आईलैशेस में मस्कारा रह जाता है तो उसे अगर मैं इससे रिमूव करने जाती थी तो आईज़ में इतने ज़्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता था. आई डोंट नो व्हाई, बट एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ा. इसका इफेक्ट अच्छा था फेस पर, फेस को अच्छे से क्लीन करता था. तो मैं इसे ना अंडर आई एरिया को छोड़ के इसे अप्लाई करती थी, देन इट वर्क्स फाइन. अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट इस महीने खत्म हुआ है, वो है ये मेबेलिन फिटमी का लिक्विड फाउंडेशन. ये इस तरीके के पाउच पैकेजिंग में आता है एंड ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, नथिंग कम्स आउट ऑफ दिस. ये आई थिंक इसमें जो बाकी रेसिड्यू प्रोडक्ट है ना वो सूख चुका है, द फाउंडेशन हैज़ ड्राइड अप. बट मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है एंड क्वांटिटी भी काफ़ी कम है. इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड, जो कि अभी मेरे स्किन के लिए थोड़ा सा डार्क हो गया है. पहले जब मैं बाहर जाती थी तो स्किन टैंड रहता था, उस टाइम वार्म न्यूड चल जाता था, हालांकि वो थोड़ा सा डार्कर था मेरी स्किन पर. मुझे जनरली ज़्यादा ब्राइटनिंग फाउंडेशन एंड कंसीलर अपने फेस पर अच्छा नहीं लगता, जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखता है. मुझे स्किन टोन से थोड़ा सा यू नो डार्कर टोन अच्छा लगता है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पॉपअप नहीं होता. तो इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करती थी, बट अभी मैं घर पे हूँ तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती, तो इसीलिए ना मेरे स्किन पर ये ज़्यादा ही कुछ डार्क हो रहा है. तो मैं नेक्स्ट जब परचेज करूँगी मेबेलिन का फिटमी कंसील फिटमी फाउंडेशन तो मैं एक शेड लाइट ज़रूर परचेज करूँगी. हालाँकि मेरे पास एक फुल साइज़ मेबेलिन का ऑलरेडी एक फाउंडेशन है जो मुझे अभी ख़त्म करना है. तो या लेट्स सी, जब मैं परचेज करूँगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ मेरे अमेज़न हॉल वीडियो
में शेयर करूंगी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। #eSpecialSeries आप सबको कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए था, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।